अस्सलाम वालेकुम। हम जनरल एनाटॉमी का चैप्टर नंबर 5 मसल्स पढ़ रहे थे और आज हमारे पास टॉपिक है क्लासिफिकेशन ऑफ मसल्स। तो मसल्स को दो बेसिस पर क्लासिफाई किया जाता है, एक तो शेप और फाइबर आर्किटेक्चर की बेस पर, दूसरा ग्रुप एक्शन की बेस पर। तो शेप और फाइबर आर्किटेक्चर की बेसिस पर हमारे पास 5 तरह के मसल्स आ जाते हैं। पहले वो ग्रुप जो कि जिनमें मसल फाइबर लाइन ऑफ पुल के पैरेलल होंगे, दूसरा वो ग्रुप जिसमें मसल फाइबर्स ओब्लिक टू द लाइन ऑफ पुल प्रेजेंट है, तीसरा स्पाइरल और चौथा क्रूशियट, पांचवा सर्कुलर मसल्स। ठीक है, तो सबसे पहले हम देख लेते हैं मसल विथ फाइबर्स पैरेलल टू द लाइन ऑफ पुल। तो इनमें क्या होगा कि जो रेंज ऑफ मूवमेंट होगी वो ग्रेटर होगी, जबकि जो पावर है वो कम होगी, क्योंकि ये कम मसल फाइबर एकोमोडेट करेंगे अपने अंदर, जिसकी वजह से इनकी पावर कम हो जाएगी और रेंज ऑफ मूवमेंट ज़्यादा हो जाएगी। तो इसमें हमारे पास 3 तरह के मसल्स आ जाते हैं, स्ट्रैप लाइक मसल्स, क्वाड्रिलेटरल मसल्स, फ्यूजिफॉर्म मसल्स। तो स्ट्रैप लाइक मसल्स में हमारे पास इनकी स्ट्रैप लाइक अपीयरेंस है, या रिबन लाइक कह लें, स्ट्रेट मसल्स कह लें। और इसकी एग्जाम्पल में हमारे पास आ जाते हैं रेक्टस एब्डोमिनस, जो कि एब्डोमिनल वॉल में एक मसल प्रेजेंट होता है, और इसके अलावा थाई का एक मसल सार्टोरियस। नेक्स्ट क्वाड्रिलेटरल मसल्स हैं, तो इनकी लेंथ शॉर्ट है और इनकी अपेरेंस क्वाड्रिलेटरल है और ये फ्लैट होंगे, आप ये डायग्राम में देख सकते हैं। इसकी एग्जाम्पल में हमारे पास आ जाते हैं थायरोहाइड मसल्स ऑफ लेरिंग्स। नेक्स्ट आ जाते हैं फ्यूजिफॉर्म मसल्स, तो इनमें जो बेली रीजन होगा उसमें जो मसल फाइबर्स हैं वो पैरेलल अरेंजमेंट शो करेंगे, जबकि जो डिस्टल और प्रॉक्सिमल एंड है वहाँ ये नर्व फाइबर्स कन्वर्ज हो जाएंगे, जैसे कि ये डायग्राम में बना हुआ है। इसके एग्जांपल में हमारे पास आ जाते हैं बाइसेप्स ब्रेकियाई मसल। अब नेक्स्ट जो हमारे पास टाइप है उसमें मसल फाइबर्स लाइन ऑफ पुल के ऑब्लिकली प्रेजेंट हैं। ठीक है, तो इसमें हमारे पास 3 टाइप्स आ जाती हैं, ट्राइंगुलर मसल्स और रेडियल मसल्स, इसके अलावा पिनेट मसल्स। ठीक है, तो हम इनकी नेक्स्ट एक्सप्लेनेशन देख लेते हैं। अच्छा, एक बात जो बताने वाली थी कि इन मसल्स में पावर ज़्यादा है जबकि जो रेंज ऑफ मूवमेंट है वो कम है। पावर इसलिए ज़्यादा है क्योंकि ये ज़्यादा नंबर ऑफ मसल फाइबर्स एकोमोडेट कर सकते हैं। नेक्स्ट हमारे पास आए थे ट्राइंगुलर मसल, तो जो इनका ओरिजिन है वो ब्रॉड है, उसके बाद ये जो मसल फाइबर्स हैं ये कन्वर्ज हो जाएंगे, तो ये बनाएंगे रिस्ट्रिक्टेड नैरो इंसर्शन। इसके एग्जाम्पल में बस आए थे एडक्टर लॉन्गस, डेल्टॉइड मसल्स वगैरह। ठीक है, नेक्स्ट हमारे पास आए थे रेडियल मसल्स, तो रेडियल मसल्स सिलेंड्रिकल, इनकी जो मसल फाइबर्स की अरेंजमेंट है वो सिलेंड्रिकल होगी, देन ये टेंडन के पास ऑब्लिकली कन्वर्ज हो जाएंगे, जैसे कि इस एग्जांपल में दिखाया हुआ है कि ये जो मसल फाइबर्स हैं ये पहले पैरेलल थे एंड देन यहाँ पर ऑब्लिकली कन्वर्ज हो गए। सो ये हैं रेडियल मसल्स, इनको हम सर्कम पिनेट मसल्स भी बोलते हैं। नेक्स्ट है पिनेट मसल्स, तो पिनेट मसल्स की फीडर लाइक अपीयरेंस है, लाइक इस तरह, और इनकी आगे 4 टाइप्स हैं, यूनिपिनेट, बाईपिनेट, मल्टीपिनेट और सर्कमपिनेट। सर्कमपिनेट और रेडियल मसल्स एक ही चीज़ है। तो यूनिपिनेट कौन सा, जिनमें टेंडन की एक ही तरफ मसल फाइबर्स प्रेजेंट होंगे, जैसा कि इसमें इस डायग्राम में है कि टेंडन की एक ही तरफ मसल फाइबर्स प्रेजेंट है, जबकि ये बाईपिनेट अगर देखा जाए तो बाईपिनेट में दोनों तरफ प्रेजेंट है और मल्टीपिनेट में ये काफ़ी सारी मसल फाइबर्स अरेंज है। नेक्स्ट हमारे पास स्पाइरल मसल्स आ जाते हैं, तो स्पाइरल मसल्स में जो मसल फाइबर्स हैं वो ट्विस्ट हो जाएंगे और इनमें जो ओरिजिन है वो ब्रॉड होगी, जबकि जो इंसर्शन है वो नैरो हो जाएगी। नेक्स्ट हमारे पास आ जाते हैं क्रूशिएट मसल्स, तो क्रूशिएट मसल्स में क्रॉस लाइक अपीयरेंस होगी इनकी मसल फाइबर्स की, जैसा कि इस डायग्राम में है कि ये दो स्ट्रैप्स थे मसल्स के और ये आपस में क्रॉस अरेंजमेंट शो कर रहे हैं। नेक्स्ट सर्कुलर मसल्स आ जाते हैं, तो ये सर्कुलर पैटर्न में अरेंज होते हैं, इनको स्पिंस्ट्रल मसल भी बोलते हैं, जैसा कि यहाँ प्रेजेंट हैं। इसके एग्जांपल में हमारे आई मसल्स और माउथ में भी ये मसल्स प्रेजेंट होते हैं। ये तो हमने पढ़ ली क्लासिफिकेशन ऑफ मसल्स ऑन द बेसिस ऑफ शेप, अब हम पढ़ेंगे क्लासिफिकेशन ऑफ मसल ऑन द बेसिस ऑफ ग्रुप एक्शन। तो इसमें 4 तरह के आए थे, एक एगोनिस्ट, दूसरा एंटागोनिस्ट और फिक्सेटर और साइनर्जिस्ट। तो अगर हम देखें तो एगोनिस्ट क्या है, एगोनिस्ट को हम प्राइम मूवर भी कहते हैं, और अगर कोई भी मसल कोई स्पेसिफिक मूवमेंट करवा रहा है तो उसे हम एगोनिस्ट बोलेंगे। जैसे अगर हम ट्राइसेप ब्रेकियाई को देख लें तो ये एल्बो जॉइंट में एक्सटेंशन करवाएगा, तो इसे हम एगोनिस्ट बोलेंगे। और जो मसल इसके बिल्कुल ऑपोजिटली वर्क कर रहा है, यानी कि जब ये एक्सटेंशन करवा रहा है तो जो दूसरा मसल है वो फ्लेक्शन करवा रहा होगा, जैसे बाइसेप ब्रेकियाई है, तो उसे हम एंटागोनिस्ट बोलेंगे। नेक्स्ट हमारे पास आ जाते हैं साइनर्जिस्ट, तो साइनर्जिस्ट नेक्स्ट आ जाते हैं साइनर्जिस्ट। साइनर्जिस्ट का फंक्शन है कि प्राइम मूवर या एगोनिस्ट को असिस्ट करते हैं उनके मूवमेंट में, यानी अगर बाइसेप ब्रेकियाई जो है वो एल्बो जॉइंट में फ्लेक्शन करवा रहा है तो साथ ही ब्रेकियालिस मसल है जो कि साइनर्जिस्ट के तौर पर एक्ट करेगा और उसको असिस्ट करेगा। नेक्स्ट आ जाते हैं फिक्सेटर्स, तो फिक्सेटर्स वो ग्रुप ऑफ मसल्स हैं जो कि प्रॉक्सिमल जॉइंट्स को स्टेबलाइज करेंगे ताकि डिस्टल जॉइंट्स में मूवमेंट प्रोड्यूस हो सके। जैसे अगर हम प्रोनेशन और सुपिनेशन करवा रहे हैं तो इसमें हमारे जो शोल्डर जॉइंट है या एल्बो जॉइंट है वो कंट्रैक्ट करेंगे ताकि प्रोनेशन और सुपिनेशन प्रोड्यूस हो सके। आगे है नेमिंग ऑफ मसल्स, तो इसमें है कि मसल्स को की जो नेमिंग है वो किस किस बेसिस पर होती है, उनकी शेप की बेस पर हो सकती है, जैसे डेल्टॉइड है तो डेल्टा शेप मसल होते हैं, और साइज़ की बेस पर जैसे टेरिस मेजर और टेरिस माइनर मसल्स होते हैं। इसके अलावा लोकेशन और पोजीशन की बेस पर, अटैचमेंट्स की बेस पर, एक्शन हेड्स ऑफ रीजन और डायरेक्शन ऑफ फाइबर्स की बेस पर इनकी नेमिंग की जाती है।